हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फाइव है 2021 का पेपर का एंड डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस वीडियो, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस पार्ट फाइव, वी आर अवेयर दैट हिमाचल का भी पेपर आ चुका है। HPAS का पेपर भी आ चुका है। 14 जुलाई तक इसकी डेट है, जो फिलिंग डेट है। ऑलरेडी इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो HPAS के लिए भी ये क्वेश्चंस सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मोर और लेस जो स्टेट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाने का पैटर्न रहता है या जो स्टाइल रहता है, वो मोर और लेस सेम सा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आपसे पेपर के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी अब अगर कोई हिमाचल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए भी ये इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट्स गिवन है कुछ और आपको उन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट राइट टू वोट इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वोट जो है ये एक लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चार स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। ये पेपर के अंदर सबसे पहले सर्कल कर लिया करना, करेक्ट या इनकरेक्ट, मैंने आपको पहले भी बोला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि आर्टिकल 301 किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, तो आर्टिकल 301 इज नॉट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इजीली हरियाणा के पेपर के अंदर ये हमेशा ऑब्जर्व किया गया है कि जो ऑप्शंस है ना इनके, जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि आप एलिमिनेट भी कर दो तो लास्ट के अंदर आप दो ऑप्शंस के अंदर फंस जाते हो, ठीक है, कि दो ऑप्शंस के अंदर आपको कंफ्यूजन होती होती है। लेकिन हरियाणा वाले पेपर के अंदर ज्यादातर क्या देखा जाता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पता है ना कि सही या गलत है, तो ऑटोमेटिकली आपका बाकी के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपको अगर ये पता है कि चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ए सी डी ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, आर्टिकल 300A के अंदर क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो आर्टिकल 300A 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में यही गिवन था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, तो 300A 44th इजीलिए करेक्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 300A 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर आया था, ओके। और इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया, इसने राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट होता था, आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, आपके आर्टिकल 19 के अंदर अभी 6 फ्रीडम्स है ना, पहले आपका 19(1)(f) भी हुआ करता था एक, ठीक है। तो इसको इसने हटा दिया, रिपील कर दिया, और इससे बेसिकली जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट से बाहर हो गया, ठीक है जी, वो फंडामेंटल राइट से बाहर हो गया। और आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को बेसिकली इसने रिपील किया, पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स का है। और इसकी जगह इस 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया आर्टिकल भी इंसर्ट किया, दैट वाज आर्टिकल 300A, और ये पार्ट 12 के अंदर इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो ये पार्ट्स का भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि पार्ट 3 में से हटाया गया और पार्ट 12 के अंदर इंसर्शन किया गया। और हेडिंग क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आता है आपका आर्टिकल 300A। इसमें क्या लिखा है, दैट नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अल्टीमेटली आप किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस देयर इज सम लीगल लॉ रिलेटेड टू दैट, ओके। दस द राइट टू प्रॉपर्टी ये अभी भी एक लीगल राइट है। हम क्या बोलेंगे कि ये एक लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हो, देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि एवरी फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। यू कैन से दैट एवरी फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के अंदर मेंशनड है राइट टू प्रॉपर्टी हेड के अंदर, ठीक है, पार्ट 12 में। लेकिन ये फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 के अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन से हट जाएगा। तो अपने को क्या बोला था कि राइट टू वोट जो है
राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो बिल्कुल सही, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी अपने आप में क्या हो जाता है, सही हो जाता है, सेकंड भी सही हो गया और थर्ड भी सही हो गया, फोर्थ तो अपना गलत है ही, ठीक है। फोर्थ आर्टिकल 301 में फिर है क्या, आर्टिकल 301 कहता है कि जो भी ट्रेड कॉमर्स या इंटरकोर्स होगा ना पूरे देश के अंदर इंडिया की टेरिटरी में वो फ्री होना चाहिए, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स शॉल बी फ्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर बैरियर्स। तो अल्टीमेटली जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा होता था ना कि भाई डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उसको खत्म करना है, ठीक है, एक फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स पूरी कंट्री के अंदर प्रमोट करना। ओके, द फ्रीडम अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट कन्फाइंड टू इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट क्या हो गया, दो स्टेट्स के बीच में, और इंट्रा स्टेट क्या हो गया, विद इन द स्टेट। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर फिर से मैं वापस लेकर के जा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 301 राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट 301 नहीं है वो 300A है, इसी वजह से फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया था, ठीक है। और राइट टू वोट तो आप जानते हो कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट के अंदर आता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैंने क्या कहा कि पेपर हाथ में आते ही ना इसके ऊपर तो सबसे पहले सर्कल लगा लेना कि नॉट करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट ए क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही बात है, जिसके ऊपर आपका प्रियम्बल बेस्ड है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो मेरे को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। स्टेट के अंदर इसी तरह स्पेशली हरियाणा के अंदर, तो मैंने पिछले 3-4 साल का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है हरियाणा सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर्स का प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज में, तो वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सारे ऑप्शन आपको देखने की भी जरूरत ना पड़े। अब अल्टीमेटली जिसको पता है कि यार जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले डाउन किया था, तो उसको पता है ये स्टेटमेंट सही है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, ये तो गलत होना ही होना है। अब इसने पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो गया। अब अल्टीमेटली यहां पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ABCD है, यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड तो है नहीं कि वन ओनली, टू ओनली, वन टू थ्री, कि भाई मल्टीपल स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट हो सकती हैं, यहां पर तो एक ही आंसर होगा, तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर भी हम सी और डी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। HC मुखर्जी को इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेटा जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आपको आते होने चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले तो मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, दिसंबर 9, 1946 में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया था मीटिंग को, और उन्होंने बेसिकली वो उस टाइम पर सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड के अंदर मशरूफ थे, तो अल्टीमेटली इसको उन्होंने बॉयकॉट किया था, ठीक है। इस मीटिंग को कितने लोगों ने अटेंड किया था, जो ये 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी, इसको 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो एक फैक्ट, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था, और इन 211 मेंबर्स में जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे ज्यादा एज वाले मेंबर थे, दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि अभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे आपस में बैठ करके, फिर वोटिंग वगैरह होगी, उसके बाद फिर वो नया प्रेसिडेंट चुनेंगे, तो तब तक भी तो कोई चाहिए ना, तो इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ये बेसिकली एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जहां पर ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद जब वोटिंग वगैरह हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया गया, ठीक है। और HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी जो थे, ये वाइस प्रेसिडेंट्स थे असेंबली के, ठीक है। और इस असेंबली के बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचारी, तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो इस स्लाइड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 9, 1946 फर्स्ट मीटिंग, 211 मेंबर्स ने अटेंड किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर जो थे उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फिर उनको प्रेसिडेंट चूज किया गया, और HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी जो थे वो दो वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा आर्टिकल 21 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ। तो अगर आपने आर्टिकल 21 का टेक्स्ट रीड किया हुआ है, ठीक है, तो ये मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है ना, तो उसके लिए ये एक संडे ट्रीट क्वेश्चन था,
ठीक है, कि हाँ भाई बच्चा संडे को अपना छुट्टी खराब करके पेपर देने आया है, तो उसको कुछ तो मजा दो, तो ये वो वाला क्वेश्चन था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन, बेटा यहाँ पर ये गलत है, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन मार्क हुआ हुआ है, आंसर यहाँ पर सी होगा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ विल बी द राइट आंसर। ओके, तो अगर आर्टिकल 21 क्या कहता है, दैट नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, आई थिंक वो टाइपिंग के अंदर आ गया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो मेंशनड है, और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को जो अवेलेबल है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका मैच द फॉलोइंग का, आपको मैच करना था बेसिकली, तो यहाँ पर एस सी ओ, क्वाड, एसियान और एम ए डी आपको गिवन है। ठीक है, तो एस सी ओ आप जानते हो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड को भी आप जानते हो, एसियान और मैट, तो आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर पर्पस बेसिकली यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो आंसर यहाँ पर बेटा जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क भी किया हुआ है, आंसर विल बी ए। तो एस सी ओ इज बेसिकली फॉर ट्रेड पॉलिटिक्स एंड कल्चर, दैट्स वेरी मच करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड की, तो क्वाड बेटा आपका एक स्ट्रेटेजिक फोरम है, ठीक है, जो आपका जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का जो फोरम है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक फोरम। ओके, उसके बाद एसियान की जब हम बात करते हैं, तो एसियान क्या है, एसियान बेटा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन है, जो एसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो। और मैड इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन्स, तो कहीं ना कहीं आप एस सी ओ, क्वाड और एसियान के बारे में अवेयर हो, मैड इज समथिंग विच इज विच मेनी ऑफ यू मे नॉट नो, तो मैं मैड को यहां पर डिस्कस करूंगा। सो व्हाट इज मैड बेसिकली, ये एक बेटा मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ओके, तो इसमें क्या बोला जाता है, ये बेसिकली क्या कहता है, व्हेन टू एडवर्सरीज पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स नीदर ऑफ देम इज लाइकली टू यूज देम। ठीक है, जैसे अगर दो दुश्मन देश हैं, ठीक है, दो देश हैं, वो दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दे आर इन द सिचुएशन ऑफ वॉर और कंफ्लिक्ट, ठीक है, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैड क्या कहता है कि ये दोनों फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बोथ साइड्स आर लाइकली टू सफर सिवियर लॉसेज फ्रॉम अ न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि अगर एक ने भी यूज किया तो फिर दूसरा भी उसके अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली सिवियर लॉसेज दोनों को होंगे। सो मैड डॉक्ट्राइन क्या कहता है, बेसिकली ये एक तरह का न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की बात करता है, जहां पर अगर दोनों स्ट्रांग जो रिटेलिएटरी कंट्रीज हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं, तो एक तरह से वो एक डेटरेंस का काम करेगा कि एक दूसरे के ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन ना यूज करें। इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था, तो उसके पीछे रीजन इंडिया ने भी यही दिया था कि यार हमको एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है, ताकि कल को फ्यूचर के अंदर कोई हमें ना धमका पाए कि तेरे ऊपर न्यूक्लियर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस प्रपोर्शन, आरबीआई के साथ जो टोटल डिपॉजिट रखना है, ठीक है, सो द राइट आंसर ऑप्शन ए है SLR, बी CRR, सी मिनिमम रिजर्व सिस्टम एंड डी रिवर्स रेपो रेट। देखो, रिवर्स रेपो रेट इज समथिंग जो आप जानते हो कि यार ये तो वो है जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो है वो बैंक से बोरो करेगा, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ पर खारिज हो गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है बैंक को, ये भी रिजर्व बैंक को मेंटेन करना होता है, लेकिन ये आरबीआई के साथ रखना जरूरी नहीं है, ये बैंक अपने पास भी मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसको वो आरबीआई को डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। तो अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि ये आरबीआई के साथ रखना है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन ए भी अपना यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो सी भी आंसर नहीं है। अल्टीमेटली आंसर मेरा क्या बच जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश को बोला जाएगा कि यार वो डेट ट्रैप के अंदर है, अगर नंबर ए इट हैज टू अबाइड बाय द कंडीशनैलिटी इम्पोज बाय IMF, इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज बीन रिफ्यूज लोन और एड बाय क्रेडिटर, द वर्ल्ड बैंक चार्जेस अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग एज वेल एज न्यू लोन्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर आपको IMF से मदद लेनी पड़ जाए आपके ऊपर, और IMF कंडीशंस लगा दे, तो आप डेट ट्रैप में आ गए। ये कुछ बात नहीं हुई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, IMF
की कंडीशंस आप ना मानो, अगर आपके हालात ऐसे हैं तो इसको तो हम बिल्कुल गलत बोल देंगे। तीसरा कह रहा है, सी स्टेटमेंट कह रहा है, इट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड लोन और एड बाय द क्रेडिटर्स। अब अगर मैं कल बैंक में चला जाऊं और बैंक कह दे कि नहीं हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं डेट ट्रैप में आ गया, मुझे तो लोन ही नहीं मिला ना, तो ऑप्शन सी भी हट गया। वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज कर रहा है, तो कोई भी अगर क्रेडिटर है वो इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप में आप कब होते हो, आपने पैसा उधार लिया हुआ है और पैसा उधार लिया हुआ है, अब आप उसके ऊपर ब्याज आपको लगता है, ठीक है, तो आपके पास ब्याज भरने के लिए भी पैसा नहीं है, वो ब्याज भरने के लिए भी आपको और उधारी लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के पास चला गया 1,000 रुपये लेने और मेरे ऊपर 10 रुपये का ब्याज आ गया, ठीक है, 1,000 तो छोड़ो, मेरे पास ये 10 रुपये भरने को भी नहीं है, और अब ये 10 रुपये भरने के लिए भी मुझे किसी दूसरे इंसान से जाकर के लोन लेना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या हो गया, डेट ट्रैप हो गया। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियोतवारी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जमींदार टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है, कि भाई जमींदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स कलेक्ट करना, लैंड ओनर जो थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करना, फार्मर जो है डायरेक्टली लैंड टैक्स पे करता था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को, डी कहता है नो टैक्सेस वर लेविड ऑन लैंड्स ओन्ड बाय फार्मर, कि कोई, देखो ये हो सकता है क्या कि भाई कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, तो ये तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी अच्छी हो जाती ना अगर ऐसा होता। तो राइट आंसर इसका क्या बेटा, सी है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता था, फार्मर जो है, जो कल्टीवेटर है, ठीक है, जो रियोत है, रियोत इज बेसिकली फॉर फार्मर, फार्मर डायरेक्टली टैक्स पे करेगा किसको, सरकार को, ठीक है, ना तो जमींदार ना लैंड ओनर, सीधा का सीधा जो कल्टीवेट कर रहा है, जो कल्टीवेटर है वो यहाँ पर टैक्स पे करेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बी और सी के अंदर कि लैंड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फार्मर की, फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो रियोतवारी सेटलमेंट के एक दो पॉइंट देख लो, इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव जो परमानेंट सेटलमेंट से अलग था, ठीक है, और इस न्यू सिस्टम को बेसिकली क्या बोला गया, रियोतवार या रियोतवारी सिस्टम, इसको स्मॉल स्केल के ऊपर पहले ट्राई किया गया एंड इट वाज ट्राइड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कई बार वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, जो बेसिकली टीपू सुल्तान की टेरिटरी थी ना, वहां पर जो कैप्चर की थी कंपनी ने, वहां पर इसको बेसिकली लिया गया और फर्दर फिर इसको डेवलप किया थॉमस मुनरो ने, एंड धीरे धीरे इसको पूरे के पूरे साउथ इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया गया, ठीक है। रीड और मिनरो को ऐसा लगा कि साउथ के अंदर ट्रेडिशनल जमींदार थे नहीं, ठीक है, और इसीलिए डायरेक्टली फार्मर के साथ, डायरेक्टली कल्टीवेटर के साथ या रियोत के साथ सेटलमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो फील्ड को केयरफुली सर्वे किया जाता था रेवेन्यू असेसमेंट से पहले, ताकि जो टैक्सेशन है उसको प्रैक्टिकल वे में फिक्स जो है वो किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इन टू द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए नहीं बना, कौन सा सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए नहीं बना। सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज सोली सोराबजी कमीशन। सोली सोराबजी वॉज नॉट फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए ये पांच आपके इंपॉर्टेंट कमिटीज या कमीशन बने हैं, इनको याद रख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स में, यूपीएससी के अंदर भी। तो राजामन्नर कमेटी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, सरकरिया कमीशन एंड पंछी कमीशन, तो दीज आर द कमिटीज और कमीशन दैट वर फॉर्म्ड ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। और ये मैंने आपको एक ऑर्डर के अंदर ही गिवन दिए हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये, तो क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर भी पूछता है, जैसे पंचायती वाले मैंने आपको दिखाए भी थे पिछले पार्ट्स के अंदर कि कौन सा कब बना, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए राजामन्नर, फिर आनंदपुर, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, रॉ, दिस स्टैंड्स फॉर रॉ रॉ एंड सरकरिया एंड पंछी, एसपी, रॉ एसपी, रॉ एसपी।